यदि हम बिश्नोई समाज की उत्पत्ति के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह शब्द 20 और 9 से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है 29। इसमें 29 शब्द का अर्थ है कि बिश्नोई समाज को 29 नियम दिए गए थे जिनका पालन करना जरूरी होता है। आपको बता दें दोस्तों कि ये वही बिश्नोई समाज है जिसने सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। आज इस वीडियो में हम बिश्नोई समाज के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बिश्नोई समाज का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण और प्रकृति से प्रेम करने वाला रहा है और अब भी ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी है। बिश्नोई समाज के लोग मुख्यतः पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। बिश्नोई समाज के लोग बहुत ही मिलनसार और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शुरू की थी। गुरु जम्बेश्वर भगवान को जाम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है। बिश्नोई समाज में बहुत सारे नियम बहुत ही अच्छे और प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो कई सौ साल आगे की सोच रखते हैं। बिश्नोई समाज में एक ऐसा नियम भी है कि यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक महीने बाद उसे शब्दवाणी के 120 शब्दों का पाल दिलाकर बिश्नोई बनाया जाता है और उसे 29 नियमों का पालन करना होता है। 120 शब्दों का पाल दिलाकर उसे बिश्नोई बनाने के बाद ही उसे बिश्नोई समझा जाता है। इस प्रकार के सभी नियमों का पालन करना बिश्नोई समाज के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा जीवों की हत्या नहीं करनी, हरे वृक्षों को नहीं काटना, किसी को हरे वृक्षों को काटने भी नहीं देना, जीवों पर दया करने और जीव पालना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे प्रकृति को नुकसान हो, आदि नियमों का पालन भी करते हैं। जाम्बोजी राजपूत परिवार से थे और वह एक शाकाहारी व्यक्ति थे। वह किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे और उन्होंने बाद में बिश्नोई समाज के लिए भी यह नियम बनाया कि कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा बिश्नोई समाज के लोग जम्बूजी को अपना गुरु मानते हैं, उनके बनाए गए नियमों पर चलते हैं। अगर बिश्नोई समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है ताकि उसे दफनाने के बाद उसके शरीर को मिट्टी ग्रहण कर ले और किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। अगर उस शरीर को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण तथा पेड़ों को भी काटा जाएगा ताकि लकड़ी प्राप्त की जा सके। इसी चीज से बचने के लिए उसे दफनाया जाता है। बिश्नोई समाज में ज्यादातर लोग राजस्थान में निवास करते हैं। राजस्थान की बहुतायत आबादी बिश्नोई समाज से जुड़ी हुई है और बिश्नोई समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों को ही स्वीकार किया जाता है। जब कोई 120 शब्दों के हवन के साथ बाहर ले और बिश्नोई समाज को स्वीकार करे तो उन्हें बिश्नोई मान लिया जाता है। फिर उन्हें बिश्नोई समाज द्वारा बनाए गए 29 नियमों का पालन करना होता है, उससे वह बिश्नोई बन जाते हैं। बिश्नोई समाज के 29 नियम जाम्बोजी ने ही बनाए थे और उन्होंने सभी बिश्नोई लोगों को पालन करने के लिए दिए थे और वह खुद भी इन 29 नियमों का पालन करते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिश्नोई समाज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। मैं जल्द आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।